लुटेरी लाड़ी दे किस्से तो तुसी बहुत सुने होंगे, पर गुरदासपुर तो जिहड़ा मामला सामने उस ज़्यादा हैरान करने वाला है। जिथे जंगलात विभाग तो सेवा मुक्त हुए अफसर दे नाल लखां दी ठगी बची है। नव व्याही लाड़ी दे वलों 6 तोले सोना ते लखां दी नकदी लुटी गई है। हालांकि पुलिस दे विच शिकायत दे दित्ती गई है, लेकिन उसकी भाल हाले भी हो रही है। पूरा मामला की है वेखने ने खास रिपोर्ट। इस जंगलात विभाग तो सेवा मुक्त हुए अफसर सतनाम सिंह ने जिन्हां नाल 10 लाख दी ठगी वजी है। ठगी मारन वाला इन्हां दा 7 जन्मां दा साथी यानी उन्हां दी धर्म पत्नी है। ये तस्वीरां लुटेरी दुल्हन राजबीर कौर दियां ने, जिसने सतनाम सिंह नूं लुटिया है। जिसने पहला व्याह करवाया ते फिर 15 दिनां दे अंदर ही सोना ते नकदी लुट के फरार हो गई। पूरा मामला भी दस दिया, करीब 1 साल पहला सतनाम सिंह की पत्नी की मौत हुई। बच्चे विदेश च होण कारण सतनाम घर च इकला रह गया। बच्चों की सहमति दे नाल ही दूसरा व्याह करवाउण दा फैसला लिया। 2 जुलाई नूं अखबार च इश्तिहार दिता। पटियाला दी एक महिला नाल 23 जुलाई नूं दूसरा व्याह कर लिया। ਵਿਆਹ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ ਪੇਕੇ ਕਰ ਪਟਿਆਲਾ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ 50,000 ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ, ਫਿਰ 2 ਲੱਖ ਤੇ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ। ਸਤਨਾਮ ਨੇ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। राजवीर कौर अपनी भैन दे नाल घर वापस आ गई। अगले दिन पत्नी दी भैन ने दरबार जाण दी गल आखी। ड्राइवर उसनू अमृतसर छड्ड आया। अगली रात पत्नी ने रोटी च नशीला पदार्थ मिला के बेहोश कर दिता। 6 तोले सोना ते गहने, 2 लाख रुपए दी नकदी लेके फरार हो गई। पीड़ित सतनाम सिंह मुताबक वो पिछले 1 महीने तो इंसाफ लैन दे लई दर दर दी ठोकर खा रहे है ते अजे तक पुलिस ने इस मामले दे विच FIR दर्ज नहीं कीती। इसे तरह ही मैं अखबार विच 2 जुलाई नूं इश्तिहार दिता ते एक समाणा तों सुखिंदर सिंह ढिल्लों दा फोन आया। उन्हें लड़की दी दस पाई जिहड़ी पटियाले रहिंदी सी, मैनूं उन्हां नाल मिला दिता ते मैं वेख के जस कर दित्ती। इसे तरह 23 जुलाई नूं साडा विआह हो गया। विआह करके असीं घर आ गए। घर आ गए दो तीन दिन बाद 25 तरीक नूं मैं अपनी वाइफ नूं कुछ सूट अते एक सैमसंग दा मोबाइल भी लिया के दिता। चल 2-3 दिन बाद चलता रहा। बाद विच मेरी वाइफ कहण लग पई कि वाइफ रविंदर कौर उर्फ राजबीर कौर उर्फ लक्की डाटर ऑफ सरदार मनजीत सिंह कंबोज महला धर्मशाला राघो माजरा पटियाले है। उस तो बाद मेरी वाइफ रविंदर कौर कहन लगी कि मेरी माता सख्त बीमार हैं तो उन्होंने 50,000 रुपया तुसी ट्रांसफर कर दो। मैं इदा वक् वक् डेटा से 8 तरीक तक लगभग 6 करोड़ रुपया 6 लख रुपया महेंद्र कौर पुत्री ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਕੰਪੋਜ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਰਾਘੋ ਮਾਜਰਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਡਰਾਈਵਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੋਰ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਵਾ ਲਿਆ। 8 ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪਈਆਂ ਅਤੇ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਜੋ ਹੋਏ ਆ ਪਟਿਆਲੇ ਆਇਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲ ਜਾਂਗੇ ਠਹਿਰ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਕੇ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਆਇਆ। 9 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ,
पर मैं ना कर दिती। उस तो बाद 14 तरीक नूं मैनूं फोन आया कि अपना ड्राइवर भेजो तो मैनूं लै जाए आण के। फिर मैं अपना ड्राइवर भेजिया तो गड्डी अपनी भेजी तो मेरी गड्डी च दोवें भैणां बैठ के तकरीबन 4-5 बजे साढ़े घर आ गईआं। इहदी वड्डी भैण महिंदर कौर भी नाल आई। रातां दो रातां रहीआं तो वड्डी भैण कहण लगी 16 तरीक नूं कि मैं दरबार साहिब जाणा हां तो मैनूं छड्ड के उत्थे आओ, उत्थे छड्ड के आओ। मैं अपना ड्राइवर भेजिया, अपनी गड्डी भेजी, दरबार साहब तकरीबन 5:15 बजे उत्थे ला के वापस आ गया मेरा ड्राइवर, 7 बजे घर पहुँच गया। जल्दी ही 7:30 का टाइम हो गया, एक गुरुद्वारा साहब चली गई, 7:30 का टाइम हो गया। मैं रोटी मंगी, रोटी मंगी दित्ती, मैं रोटी दित्ती, पता नहीं की हो गया मैं एकदम बेहोश जहा हो गया। बेहोश होने तो बाद उठ के जिस याद आई तो मैं वेख्या कि मैं कल्ला ही, मैं गुआंढियों के घर गया, वो भी कल्ले सन। पुछया कि राजबीर इधर आई है, उन्होंने कहा राजबीर इधर नहीं आई। जदों बाहर जाके वेख्या गेट तो गेट खुला पिया, खुला गेट खुला पिया, तो वह किसी कार के बह के जी सी फरार हो चुकी सी। बाद इन्वेस्टिगेशन फोनों तो पता लगा कि वह दोनों भैन इतने सन, क्योंकि एको ही टावर तो बोल रही सन। डीएसपी सुखपाल सिंह कहंदे ने कि जांच पड़ताल कीती जा रही है, मामले दी जांच तो बाद अगली कार्रवाई कीती जाएगी। ये सतनाम सिंह जिहदी पहली पत्नी की डैथ हो गई सी, इहदे बच्चे बाहर रहिंदे ने, ते हुण इहने दूसरी शादी जिहड़ी आ अखबार च इश्तिहार दे के कीती सी, राजबीर कौर गरेवाल नाल। ते इहने एलीगेशन अपनी दरखास्त च इह लाया भी मैनू उन्हें शाम को कुछ खोया तो मैं बेहोश हो गया, तो जो मैं देखा उठ के जो उठा तो उदों बाद जिहड़ा हैगा पता लगा भी वह अंदरों 2 लाख रुपया तो सोना भी लै गई 6 तोले। इदों पहले भी जिहड़ा उन्हें जिहड़ा नैफ्ट राही जिहड़ा हैगा सी 6 लाख रुपया उन्हें अपनी भैन के अकाउंट च जिहड़ा हौली हौली पाया सी वह भी वापस नहीं कर रहे। इस संबंधी साडी जिहड़ी इनकुआरी आ थाना तिब्बड़ दे विच SHO साहब कर रहे सी, उन्होंने इनकुआरी कंप्लीट कर ली है तो मेरे को रिपोर्ट आ गई आ। मैं भी अपनी रिपोर्ट से तस्दीक करके जी मानयोग SSP साहब नूं भेज के ते फाइनल जी है कार्रवाई मुकम्मल कर देंगे। महीना हो गया वा अजे तक मामला दर्ज नहीं किया जा रहा। हाँ एक्चुअली 45 दिन तो सू वैसे ही है कि असी 45 दिन इनकुआरी कंप्लीट करनी होंगी। इन्हों थोड़ा जहा पेशेंस रखना चाहिए, इस करके असी जो अपने मिथे हुए टाइम कंप्लीट करके जो फाइनल कर देंगे।